रहमान रहीम व्यूवर्स, मैं अबू ज़ैन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम आपको एक तकरीबन एक सदी पुरानी कहवा खाना की तरफ, पेशावर का मशहूर कहवा खाना है ये। अगर हमारा कैमरा आपको दिखा दे तो मशहूर ज़माना किसख्वानी बाज़ार है, उससे ये एक कूचा निकलता है, एक लेफ़्ट साइड पे निकलता है कूचा, शाहवली कताल एक एरिया है। इसमें ये देखें, आपको हमारा कैमरा दिखा रहा है, पीपल के एक दरख्त है और दबाना सुनू, पश्तों में इसको दबाना सुनू कहवा खाना के नाम से ये मशहूर था। ये देखें, पीपल का एक पुराना दरख्त है बहुत ज़्यादा। हमारा कैमरा अगर आपको दिखा दे, थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ हम मूव हो जाएं, तो यहाँ पे एक मशहूर मज़ार है, हज़रत सैयद अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह, बुत शिकन का बोर्ड लगा हुआ है, ये उनका मज़ार है। उसके बिल्कुल बाजू में ये शावली कताल का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है इस एरिया का, ठीक है। तो ये इस वक्त उस बाज़ार में हम खड़े हैं उस कहवा खाना की तरफ। ये जो कूचा है ये जा रहा है, रास्ता जा रहा है मशहूर ज़माना कासिम अली खान मस्जिद की तरफ निकलता है। ये इस तरफ जो रास्ता आपको हमारा कैमरा दिखा रहा है, ये मशहूर ज़माना किसख्वानी बाज़ार जो हिस्टोरिकल बाज़ार है पेशावर का, उसकी तरफ निकलता है। और ये बिल्कुल कॉर्नर में आइए, हम आपको ले कर जाते हैं। ये देखें, एक बाबा जी कहवा बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं हमारे पेशावर का जो टिपिकल कल्चरल है, कल्चरल कहवा होता है। और उसके लिए ये देखें, छोटे छोटे जो चैनक बने हुए हैं जिसमें गर्म पानी, उबला हुआ पानी डालते हैं, ठीक है। और ये इसको पश्तों में तोरेचे भी बोलते हैं, हमारे कल्चर ज़ुबान में तोरेचे और शनचे वर्ता मुंगा वायु रिक्शो द बाबाम दिल तक वक्की मौजूद थे यो एक्सपर्ट थे तब उगोरे ची दीदा माशाल्लाह उमर तो उगोरी और दे कारते उगोरी एक्टिविटीज़ उगोरे ची बिल्कुल फ्रेश थी और द समावार लगी दिली, दो बड़े बड़े समावार लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपको दिखाएं, जरा आइए ज़रा जाते हैं, इनसे दो दो बातें करते हैं इसके वखाने के हवाले से, इसकी हिस्ट्री के हवाले से। जे दी सर खबरें कहूँ जिदा सिंग दमरा वक् उशो अहदा माशा रमा दवा दा। अस्सलाम वालेकुम अजी साहब, सिंह आलिया जी साहब, खैर तासु सेहत मुखदे अजी साहब मुंग तासु यो दो मिनट अखलू कस्तासु इतराज नी राजा जी पास हो गया अजी साहब तासु दिल तक के समर वखना दा कावा खाना शुरू दा कावा खाना को तकरीबन स तकरीबन स 58 साल पे जमा हु छु खाजी मखी में वाले से हाँ जी। देखा वखाना में बाबा जी बता रहे हमें कि 58 साल इनको यहाँ हो गया है माशाल्लाह, और इससे पहले इनके वालिद साहब, यानी इसकी हिस्ट्री हमें क़याम पाकिस्तान से पहले लेके जाती है, 1947 से बिफोर पार्टीशन हमें लेके जाती है, ये इनका सेटअप है। बाबा दी ता दी कुसी ता द शावली कताल वाली हुई इस कूचे का नाम शावली कताल इसलिए पड़ गया है कि यहाँ कतार दर कतार मज़ारात बने हुए थे, और उस मज़ारों में से उस वजह से इसको शाहवली कताल बता रहे हैं। और शाहवलीउल्लाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह सैयद अहमद शाह बुखारी जो है उनके मज़ार जो है ये पीछे है। और ये देखिए, इसका अंदरूनी मंजर आपको दिखा रहे हैं हम, जे द उमगा जमू द पख्तू कल्चर दे आओ पकवानी चिद अफगानिस्तान नब पदीला रवान खलक रात दिल तब दमक बोला सल काला मक की खबर उमक्का से बिल्कुल द पख्तनों आगा कल्चर दे पजमक का बंदे नास्ती ज़मीन पे बैठे हुए काने से चाय चालीस चाय के से लुफानंदोज हो रहे, कावा पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं और माहौल हम डेर सफ़ा सुथरा दे द टोल तस उगोरी नास्ती मरगरी रागरी दी खार तरागरी दी बाजार तरागरी दी और चिराशी दल तक दमक गई और कावस की और पल टाइम न दा बड़ा पोर्शन जो है ये लेडीज़ के लिए है, सेपरेट बनाया हुआ है लेडीज़ के लिए, तो ये ऊपर जो है ये पोर्शन लेडीज़ की तरफ है। ये इस तरफ हम आपको व्यू दिखा रहे हैं इसका बाहर की तरफ व्यू, तो ये जो है हमारा एक मरतबा फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ
कि हमारा जो चैनल है वो जे रिव्यू के नाम से चैनल है इस वक्त, और हम आपको दिखा रहे हैं शाहवली कताल में मशहूर ज़माना के वाखाना, जिसको पश्तों में दबाण सुनो होटल कहते होते हैं। दबाण सुनो होटल बदे तमंगा वेलो दादा मशरानों दा वक्त दे सल कालो नज़ियात ददे ओशो ददे टाइम सल कालो नज़ियात ओशो दा बाबा देवर के अबल बाबा दे 58 साल ता सो सोच ओके चे 85 साल ददे बाबा ओशो और ददी वाले से दा दे बुनियाद इखे और अगी दा कोलो। नो उस लास्ट में मैं आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त करता हूँ। मैं इस वक्त जो कहवे खाने के सामने खड़ा हूँ, तो अबू जैन आपको लेके आए थे इस कहवे खाने पे। हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके जाएंगे एक अच्छे से हिस्टोरिकल जगह पे जहां हम आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।